कृष्ण और बलराम सोने के रथ पर सवार होकर मथुरा से उज्जैन जाने के लिए निकल पड़े। रथ चल रहा था, कृष्ण की दृष्टि एक बालक के ऊपर पड़ी। वो और कोई नहीं, वो सुदामा थे। सुदामा पोरबंदर के रहने वाले, गुजरात सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पोरबंदर के रहने वाले किसी ब्राह्मण के पुत्र थे और वे भी यहां पर गुरुकुल में आ रहे थे, लेकिन वन के मार्ग से आना हुआ, चप्पल पहना नहीं था। सुदामा को पांव में कांटा लग गया, तो बैठकर वो कांटा निकाल रहे थे। कृष्ण देखा कि कोई परेशान है, अपना रथ खड़ा किया। कृष्ण नीचे उतरे और कहा, मित्र कोई परेशानी है? सुदामा ने कहा, नहीं आप जाओ, मैं कर लूंगा। बोला, नहीं बताओ क्या परेशानी है? दो तीन बार कृष्ण ने पूछा। सुदामा ने कहा कि ये कांटा लग गया है, इसे मैं निकाल रहा हूं। कृष्ण ने कहा, बताओ, इस दुनिया में एक बार भी कोई मेरा नाम ले लेता है तो जन्म जन्म का कांटा निकल जाता है। मेरे नाम लेने वाले के जीवन से जन्म मरण का कांटा निकल जाता है और साक्षात मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और छोटे से कांटे से परेशान हूं। छोड़ मित्र, मैं कांटा निकाल देता हूं। कृष्ण ने सुदामा के पांव को पकड़ा और अपने दांतों से, अपने चिन्मय दांत से सुदामा के चरण का कांटा निकाल दिया, क्योंकि इनके मुख से निकल गया था मित्र। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि भगवान का ये प्रण है, जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ। कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा भक्त पांव रखता है वहां मैं मेरा हाथ रख देता हूं, तो उनके चरण में कोई चोट ना आ जाए। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा में, कभी ना छोड़ू साथ, मैं सदैव उनके साथ रहता। कांटा निकाल दिया, कहां मित्र कहां जा रहे हैं? कहा, बस यहीं शादी बनी मुनि के वहां विद्या प्राप्त करने। कृष्ण ने कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। बोले, नहीं नहीं आप तो बड़े रथ पर बैठकर, मैं तो चलकर पहुंच जाऊंगा। बोले, अब मैंने आपको मित्र बना लिया है, आप चलो मेरे साथ। सुदामा को अपने रथ पर बिठाया। कृष्ण बलराम और सुदामा तीनों सांदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। अब विद्या प्रारंभ हुई। एक दिन सांदीपनि ऋषि ने सबको एक श्लोक याद करने के लिए कहा था, तो टर्न बाय टर्न सबको पूछ रहे थे। सुदामा का टर्न आया, बताओ सुदामा कल जो श्लोक याद करने के लिए कहा था, बोलो। सुदामा ने कहा कि गुरुदेव याद नहीं हुआ, श्लोक याद नहीं किया तुम्हें दंड मिलेगा। आज गुरुकुल के लिए लकड़े काटने के लिए आप जाओगे। बाजू में ही कृष्ण बैठे थे, सुदामा को दंड दिया, अब कृष्ण की बारी आई। चलो बोलो कृष्ण, कल जो श्लोक याद करने के लिए कहा था। कृष्ण ने सिर खुजा, गुरुजी मैं भी भूल गया। ये वही कृष्ण है जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े खड़े कहते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, इस संसार के समस्त जीव के भूत भविष्य वर्तमान को मैं जानता हूँ। सर्व वेद चाहम, जिसके सांस है वो गुरु जी को कहते हैं कि मैं एक श्लोक भूल गया। भूले नहीं है, भगवान ने सोचा कि मेरे मित्र को दंड मिलेगा तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। यहां तो मित्र को दंड मिलता है तो हमें और अधिक आनंद आता है, तो और ज्यादा मुझे। लेकिन मित्रता किसे कहते हैं, ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। कृष्ण ने कहा मैं भी भूल गया। सांदीपनि मुनि ने कहा कि आज तुम भी सुदामा के साथ जाओगे, तुम दोनों को दंड मिलेगा। क्लास के बाद दोनों वन में जाने के लिए तैयार हुए। गुरु माता ने एक एक छोटे से कपड़े में बांध कर दोनों को चले दिए। कृष्ण ने कहा कि सुदामा
मैं कहाँ चने रखूंगा, मेरे चने तुम रखो, जो भूख लगेगी मांग लूंगा। दोनों निकल पड़े। चलते चलते घोर वन में पहुंचे, एक वृक्ष था, सूखी हुई डाली थी। सुदामा ने कहा, कृष्ण तुम खड़े रहो, मैं ऊपर लकड़े तोड़ कर आता हूँ। कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम नीचे रहो, मैं तोड़ कर आता हूँ। सुदामा ने कहा, तुम गिर जाओगे, राजा के लड़के हो, फ्रैक्चर आ जाएगा। कृष्ण ने कहा, सुदामा तब तुमने कहा हमको जाना है, 11.5 वर्ष का अनुभव प्रैक्टिस है, गोकुल में आज क्यों समय। गोकुल में यही किया, क्या किया, 4-5 गोवाल टोले वली ने, एक बिजाने कांधे चढ़ी ने, मटुकी मा मोरली मारे मारो कान श्याम, अभी ने मारी मटुकी फोड़े ओ हो श्याम, अभी ने मारी मटुकी। सुदामा 11.5 वर्ष की प्रैक्टिस है, यही दीवारों पर चढ़ना है, मटकी को फोड़ना यही किया है, तुम खड़े रहो मैं तोड़ कर आता हूँ। इतना कहकर कृष्ण वृक्ष पर चढ़ गए, लकड़े तोड़ने लगे, आप सब जानते हैं वर्षा होने लगी। सुदामा को भूख लगी, अपने चने तो खा गए, कृष्ण के भी चने खा गए। अब देखिए शास्त्र का सिद्धांत है कि जीवन में जो भी खाए भगवान को अर्पण करके खाए। गीता में कृष्ण कहते हैं, भुंकते ते तू अगम पापा ये पचंदी आत्म कारणात्। अर्जुन मुझे भोग लगाए बिना जो खाता है वो भोग नहीं, वो पाप खा रहा है, उसे दंड मिलेगा। भगवान को भोग लगाए बिना सुदामा स्वयं खा गए तो दंड तो मिलेगा, दरिद्रता तो आएगी। अब कृष्ण तो सर्वज्ञ अंतर्यामी, कृष्ण ऊपर बैठे बैठे कहे कि मित्र कुछ खाने की आवाज आ रही है। सुदामा कहते, नहीं कृष्ण बारिश है, मैं भीग गया हूँ, ठंड लग रही है, मेरे दांत कांप रहे हैं, इसलिए आवाज आ रही है। आधे घंटे लकड़े काट कर कृष्ण नीचे उतरे। सुदामा को कहा, मित्र यार बड़ी भूख लगी है, वो चने दे दो। सुदामा ने कहा, वो तो मैं खा गया। कृष्ण ने कहा, अरे दरिद्र तू मेरे चने खा गया। कृष्ण के मुख से दरिद्र निकल गया, सुदामा के जीवन में दरिद्रता आ गई। कथा तो बहुत लंबी है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए कि 64 दिन में 64 कला कृष्ण सीख लिए। अब ये तो केवल समाज को दिखाने के लिए ही आए थे, अन्यथा ये तो सर्वज्ञ है, सर्वगुण विशारद है। 64 दिन में 64 कला है। कृष्ण कितने दिन तक पढ़े जानते हैं? 64 days। अनाया 64 वर्ष ना था, इसे तो गणवा जाता है। 64 साल का आदमी अभी भी पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है। धन्य है कृष्ण, 64 दिन में सारी कला प्राप्त कर लिए और मथुरा वापस लौटे। मथुरा के बाद कृष्ण द्वारिका गए और द्वारिका में 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया। कृष्ण का बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्रकट हुआ और सुदामा अपने गांव पोरबंदर में वापस गए। कृष्ण बड़े धनी हैं, बड़ा धनी जीवन बिता रहे हैं और सुदामा बड़े दरिद्र है। सुदामा बड़ा दरिद्र जीवन बिता रहे हैं। सुदेव जी ने सुदामा की दरिद्रता का वर्णन करते हुए कहा कि पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं, सुदामा के जीवन में खाने के लिए भोजन नहीं। सुदामा की एक पत्नी जिसका नाम था सुशीला, नाम ही सुशीला नहीं था भक्तों,
गुण भी सुशील था। आज कुछ लोगों के नाम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन काम ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों का नाम होता है शांति भाई पर जहां जाए तो अशांति फैलाता है। अमुक नाम होते तो शांति बहन। नाम जैसे गुण आज नहीं पाए जाते हैं लेकिन धन्य है सुदामा की पत्नी वास्तव में सुशील थी। नाम था सुशीला और चार संतान थे सुदामा के। ऐसा वर्णन है भक्तों। और एक दिन सुशीला सुदामा के पास आई। देव आप बुरा मत लगाना लेकिन अब पुत्र का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब मैं देख नहीं पा रही हूं। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? मांग रहे हैं और पतिदेव मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं। मैं जानती हूं आप मर जाओगे लेकिन किसी से मांगोगे नहीं। भक्त सुदामा का ये प्रण था मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा। धर्म था सुदामा का। हूं भागु तो मारी ए भौम का लाजे ए भोरी ना जिन गा मेरु शरी का डोलवा लागे आकाश नाया धार मेरा मन मा जान मुके चलियो सतना चुके मेरा मन माजन मुके चलियो सतना चुके। सुदामा सत्य के ऊपर अडग थे। सुदामा का आप कृष्ण के पास। मैं नहीं कहते हूं कि कृष्ण के पास जाकर आप कुछ मांगना लेकिन मुझे विश्वास है कि अखिल ब्रह्मांड नायक आपके ऊपर एक बार दृष्टि भी करेंगे ना तो हमारी दरिद्रता चली जाएगी। सुदामा ने कहा पगली मित्र के वहां तब जाया जाता है जब जीवन में कुछ सुख का समय हो है? मैं क्या मुंह लेकर मेरे मित्र के पास जाऊंगा? क्या दरिद्रता लेकर जाऊंगा? बेचारा दुखी होगा। सुदामा की पत्नी बार बार कह रही है कि आप कृष्ण के पास जाओ, आप कृष्ण के पास जाओ। उस समय सुदामा प्रसन्न हुए। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुदामा ने कहा हे ईश्वर, ईश्वर जो भी हो कर्म के अनुसार मेरी जो भी स्थिति हो लेकिन आपने मुझे जो पत्नी दी है आपने जो मुझे जीवन साथी दिया है धन्य हो गया मैं तो। कितनी अच्छी पत्नी मिली मुझे। इस संसार में हम लोग हमारी स्वतंत्रता से हमारी बुद्धि से मित्र चुनते हैं है? यहां वहां हमारी बुद्धि से मित्र चुनते हैं लेकिन एक ऐसा मित्र जो ऊपर से बनकर आता है और वो है हमारी पत्नी। ईश्वर आपने जो पत्नी दी है। संसार की पत्नियां तो मान लो पति को भजन करना है धर्म करना है तो पत्नी करने नहीं देती। रविवार का दिन है और पति घर से निकल रहा है पत्नी पूछे कहाँ जा रहे हो? मैं स्वामीनारायण मंदिर में जा रहा हूँ या इस्कॉन मंदिर में जा रहा हूँ तो पत्नी कहती है मंदिर गए तो टांगे तोड़ दूंगी। मंदिर जाएगा या घर पर काम कम है? एक और संसार की पत्नी पति को धर्म नहीं करने देती और प्रभु आपने मुझे जो पत्नी दी है धन्य हो गया मैं कि आज मेरी पत्नी मुझे सामने से आपके पास भेज रही है। सुदामा की पत्नी
सुदामा को कृष्ण के पास भेज रही है। अंत में सुदामा ने सोचा, अयम ही परमो लाभो कृष्णोत दर्शन लालसा। चलो जो भी है, लेकिन किसी भी बहाने कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, उससे बड़ा और क्या चाहिए। तो कृष्ण से कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु मात्र कृष्ण का दर्शन करने के लिए सुदामा तैयार हो गए। ठीक है, आप कहती हो तो मैं कृष्ण से मिलकर आता हूं, लेकिन जब हमसे छोटे के वहां जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, उनके लिए कुछ लेकर जाना होगा। सुशीला ने कहा, आप रुको, मैं बाजू में से पड़ोस में से कुछ लेकर आती हूं। वे पड़ोस में गई और कहा कि कुछ अनाज दे दो। पड़ोसन कहती है कि कितना मांगोगी तुम हमसे? सुशीला ने कहा, मैं बस अब 2-3 दिन में लौटा दूंगी। बोले, आज तक जितना भी हमसे लेकर गई हो यही कहकर गई हो कि 2-3 दिन में लौटा दूंगी, लेकिन आज तक तो नहीं। सुशीला ने कहा कि अब मेरे पति कृष्ण के पास जा रहे हैं, पक्का निश्चित मैं लौटा दूंगी। पड़ोस में से कुछ चावल के दाने या कुछ पौआ लेकर आई, कपड़े में बांधा, सुदामा को दिया। सुदामा ने उसे लकड़ी पर बांधा और लकड़ी के सहारे, सुदामा बिल्कुल दुर्बल देह है, हड्डियां दिख रही है, लकड़ी के सहारे सुदामा पोरबंदर से द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। नाम सुदामो मित्र प्रभुनो धीमे डगले जाये छे, द्वारिका ना बंधे पथिक चाले जाये छे। सुदामा धीरे धीरे द्वारिका जा रहे हैं, मन में अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहे हैं। क्या द्वारिकाधीश मुझे पहचानेंगे? अरे कृष्ण के साथ मित्रता हुई, बहुत साल बहुत समय बीत गए, कृष्ण पहचानने से इनकार कर दिया तो? बार बार मन में सोच रहे हैं, क्या होगा, मैं क्या बताऊंगा, कृष्ण से मिलकर मैं क्या बात करूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते सुदामा द्वारिका, जैसे ही द्वारिका नगरी में प्रवेश किए सुदामा के होश उड़ गए। ऐसा वर्णन है, सुदामा सोचे कि ये मैं जीवित हूं कि स्वप्न देख रहा हूं। अनंत ऐश्वर्य छाया हुआ था वक्त, अनंत ऐश्वर्य। सुदामा को विश्वास नहीं हुआ। ज्यादा क्या कहूं, संक्षिप्त में इतना ही समझिए, सुदामा सीधे भगवान के भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के महल के द्वार पर पहुंच गए। कई सारे द्वारपाल खड़े थे, सुदामा प्रवेश करने गए तो उन द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया। सुदामा को कहा, कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा, मेरे मित्र से कृष्ण से मिलने के लिए जा रहा हूं। सुदामा ने कृष्ण को जब अपना मित्र कहा, सारे द्वारपाल हंसने लगे। लो, इस दुनिया में मित्रों की कमी पड़ गई कि हमारे द्वारिकाधीश को भिखारियों को मित्र बनाना पड़ा। उन द्वारपालों ने कहा कि अरे दरिद्र, हमारे द्वारिकाधीश को मित्र कहने के लिए देवराज इंद्र भी लज्जा महसूस करता है। इंद्र को भी सोचना पड़ता है कि कृष्ण को मित्र कहूंगा तो ये ठीक नहीं है, मेरी क्या औकात में कृष्ण को मित्र कहूं, और तू दरिद्र भिखारी कृष्ण को अपना मित्र कह रहा है। इस प्रकार से द्वारपालों ने सुदामा को धक्का मार के गिरा दिया, कहा तेरे जैसे हजारों भिखारी आते हैं, चले जाओ यहां से। अब तो दुर्बल देह लकड़ी के सहारे खड़े थे, उन द्वारपालों ने धक्का दिया, सुदामा गिर गए। और गिरते गिरते सुदामा ने इतना ही कहा कि देखो, कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे।
ये तो निश्चित है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, और आज नहीं तो कल इस द्वार से जब द्वारिकाधीश कृष्ण निकलेंगे और कृष्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ी और कृष्ण यदि पूछे कि ये कौन आया था, तो इतना सा कह देना कि पोरबंदर से सुदामा आया था। सुदामा सुनकर वे अपनी आंखों से आंसू बहाएंगे, मुझे विश्वास है। जब इस प्रकार से सुदामा ने कहा, एक द्वारपाल को दया आ गई, हो ना हो कृष्ण ने यदि मित्र बनाया होगा, दया आई और सोचा कि कृष्ण को बताने में क्या हर्ज है। वह एक द्वारपाल अंतपुर में भगवान कृष्ण के पास गया यह खबर देने के लिए। कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हैं और रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, अनेक रानी पटरानी कृष्ण की सेवा कर रही हैं। वह द्वारपाल कृष्ण के पास आता है और कृष्ण से कहता है कि हे ईश्वर, हे द्वारिकाधीश, आपको मिलने के लिए कोई आया है। नारायण कवि ने बहुत सुंदर भाषा में इस प्रसंग को लिखा है। आज मुझे याद आ रहा है कि कई वर्ष पूर्व हम और हमारे गुरु एक आसन पर बैठे थे और अकेले में सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते बार बार रो रहे थे। बड़ा करुण शब्द उस कवि ने लिखा है। उस द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे द्वारिकाधीश, आपको मिलने के लिए कोई आया है। कौन? वो अपनी भाषा में कहते हैं, शीश पदान जगातन पे, कहां से आए बसे के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। प्रभु आपको मिलने के लिए कोई आया है। कैसा है वो? शीश पदान जगातन पे, उसके पांव में इतने कांटे लगे हैं कि कोई जगह नहीं बची है। कहां से आया है बसे के ही गामा, कहां से आया है, कहां रहता है, ये कुछ नहीं बताया। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा, लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि फटी हुई धोती पहनी, फटी हुई धोती, धोती पर अनेक छिद्र है। लटी दुपटी एक छोटा सा दुपट्टा है, और उपाय उपार नहीं की नहीं सामा, अपने पांव पर खड़े रहने में समर्थ नहीं है, दुर्बल देह, लकड़ी के सहारे पर वो खड़ा है। और खड़े रहकर एक जीद पकड़ कर बैठा है कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। कृष्ण ने कहा, लेकिन आपने उसका नाम पूछा, नाम क्या है उसका? उस द्वारपाल ने कहा, पूछत दीन दयाल को धाम। हे ईश्वर, जब मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही उस द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकला, सुदामा सुनते ही कृष्ण के शरीर में एक बिजली चल गई हो भक्तों, कृष्ण का हृदय कांपने लगा। कृष्ण उस सोने के सिंहासन से कूद गए, मेरा सुदामा आया है। कृष्ण दौड़ने लगे, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी कहने लगी, प्रभु कहां, कौन आया है। अपनी पत्नियों को जवाब देने के लिए द्वारकाधीश के पास समय कहां है। द्वारकाधीश कृष्ण दौड़ने लगे, मेरा सुदामा आया है। कृष्ण के बाल बिखर गए, कृष्ण के कंधे से दुपट्टा सरक गया, और जिस द्वारिका के मार्ग पर आज तक द्वारकाधीश तेज गति से चले नहीं थे, और आज इतना तेज दौड़ रहे हैं, सारी द्वारिका मार्ग पर आ गई और देखने लगी कि कौन आया है। और सुदामा सुदामा चिल्लाते चिल्लाते कृष्ण दौड़ रहे हैं, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा।
सब लोग रोड पर, सब लोग मार्ग पर देख रहे हैं दृश्य, और दूर सुदामा खड़े थे। कृष्ण सुदामा चिल्लाकर सुदामा के पास गए और सुदामा को गले लगा लिया। सारे द्वारिपाल देखते रह गए, सारी जनता देखती रह गई। सुदामा की दरिद्रता सभी हृदय में रहने वाले परमात्मा अंतर्यामी हो आप, क्या आपको नहीं पता था? बस बार बार कृष्ण के मुख से यही निकलता रहा, बहुत देरी से आए आप, बड़ी देर कर दी आपने। कृष्ण ने सोचा कि इस प्रकार पकड़ कर रखूंगा तो प्राण निकल जाएंगे। सुदामा को अपने हाथों में लेकर आए हैं, अपने गोद में लेकर कृष्ण अपने महल में आए, अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया, अपनी सभी रानियों को कहा जाओ मेरा मित्र आया है, इनके चरण धोने हैं, पानी लेकर आओ, पात्र लेकर आओ। कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठ गए और सुदामा के चरण को धोने के लिए उनके चरण कृष्ण ने जब अपने हाथों में लिए, इतने कांटे लगे हुए थे भक्तों, इतने कांटे लगे हुए। कृष्ण के दुख की कोई सीमा न रही। कृष्ण यही कहते हैं कि मित्र बहुत देरी कर दिया आपने, ऐसे बिहान दिवारी ने सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए। सुदामा के चरणों में कंकर पत्थर कांटे लगे हुए देखकर कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ। कहा है सखा, सखा तुम्हें आने में बड़ी देरी हो गई, कहां थे अब तक आप? ऐसे बेहाल निवारी ने सो कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय मां दुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। सुदामा की इस दीन दशा को देखकर करुणा का सागर कृष्ण आज रो पड़ा। हम और आप जिस कृष्ण को हे कृष्ण करुणा सिंधु करके बिराजते हैं, आज वही करुणा का सागर सुदामा की स्थिति को देखकर रो पड़ा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने सुदामा के चरण को धो दिया। भक्त इस प्रकार सुदामा का स्वागत किया, चरण धोने के बाद सुदामा को भोजन कराया। संध्या हुई और आज कृष्ण अपने मित्र के साथ एकांत में बैठे हैं और प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, सुना है तुमने शादी कर ली, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। क्यों सुदामा, तुमने शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया, क्या भूल गए मुझे? सुदामा ने कहा, मैं तो एक बार भूला, आप 16,108 बार भूले। 16,108 बार आप मुझे भूल गए, आपने कितनी शादी की। जब से सुदामा आए तब से कुछ छिपा रहे थे, बाजू में से चावल के दाने वो पौवा कपड़े में बांध कर भेजा था कृष्ण को देने के लिए, लेकिन सुदामा ने सोचा कि इतने बड़े आदमी को मैं ये दूंगा, इसकी पत्नी क्या सोचेगी, किस भिखारी को बुला के आ गया। लज्जा के मारे सुदामा दे नहीं पा रहे थे। कृष्ण समझ गए। कृष्ण ने कहा, मित्र आप जब आए तो
मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा ने कहा हमारे पास है क्या, कुछ होगा तो भेजेंगे। नहीं मित्र, कुछ तो भेजा होगा। बार बार कृष्ण ने बुलवाने का प्रयास किया लेकिन सुदामा ने नहीं कहा, बोले कुछ नहीं भेजा। आज मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ गई, आज मुझे मेरे गोकुल की याद आ गई, क्योंकि इसमें वह वात्सल्य छिपा है, इस अन्न में वह प्रेम छिपा है। आज मुझे मेरे गोकुल की याद आ गई। कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया और रुक्मणी ने स्वयं गुण खा लिया। साक्षात लक्ष्मी का अवतार है रुक्मणी। जैसे ही सुदामा के उस चावल को खाया, महा पुरबंदर में सुदामा की सारी स्थिति पलट गई, सारी दरिद्रता चली गई। लगभग 10 दिन तक सुदामा कृष्ण के वहां रुके हैं और 10 दिन के बाद सुदामा ने कहा कि कृष्ण कृष्ण अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। सुदामा को वापस लौटा रहे हैं। कृष्ण रुक्मणी और उद्धव सुदामा को लौटाने के लिए जा रहे हैं। विदाई करते हुए कृष्ण वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुदामा ने अपनी शपथ देते हुए कहा, कृष्ण एक कदम भी आगे चले तो आपको मेरी कसम। कृष्ण रुक गए, सुदामा जाने लगे। कृष्ण अपनी एक दृष्टि से सुदामा को देख रहे हैं। कृष्ण की आंखों से अजर अविरत अश्रु की धारा बह रही है। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु मैं जानती हूं कि आपकी कृपा से पुरबंदर में सुदामा को बहुत बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, उनकी दरिद्रता आपने निकाल दी और आपने उनको माला माल कर दिया। लेकिन प्रभु आपको सुदामा को कह देना चाहिए था कि मैंने आपको द्वारिका जैसा ऐश्वर्य दे दिया पुरबंदर में। एक बार आपने कह दिया होता तो पोरबंदर पहुंचने तक उनके मन में कष्ट न रहता। कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुम क्या समझोगी? रुक्मणी, जब मांगने वाला मांग नहीं सकता है तो देने वाला कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं? रुक्मणी उन्हें उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं है तो मैं कैसे कहूं? उद्धव कहते हैं कि कृष्ण ठीक है, जो कुछ भी है, सुदामा जब आए कर आए, अब जब वापस गए तो आपको रथ तो भेजना था। बुद्धिमानी की बात कही उद्धव ने कि गए तो आपने उसको चलाते हुए भेजा, आपको रथ तो भेजना था। कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम समझोगे नहीं। उद्धव, यदि मैं चाहता तो मेरे सोने के रथ पर सवार करके सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर भेजता, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि उद्धव तुम जानते नहीं ये ब्राह्मण कितना पवित्र है। उद्धव, ये ब्राह्मण की पवित्रता की मैं क्या बात करूं, ये ब्राह्मण अत्यंत पवित्र है। इस ब्राह्मण के जीवन में कितना कष्ट है, इनके जीवन में कितनी दरिद्रता थी, कितना अभाव था, लेकिन ये कहने की बात तो दूर रही, मुझे एहसास भी नहीं होने दिया है? जहां आज पूरी दुनिया भिखारी की तरह भगवान के दरबार में जाकर मांगती रहती है, लेकिन ये साक्षात मेरे दरबार में आया, मुझसे मांगने की बात तो दूर रही, मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। कितना पवित्र ब्राह्मण है ये। और उद्धव, ऐसे ब्राह्मण भवत विदा भागवता
तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी स्वान्तस्थेन गदा भूताः। ऐसे पवित्र ब्राह्मण जहां जहां अपना कदम रखते हैं ना, उस भूमि को पवित्र कर देते हैं। उद्धव, आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए सुदामा को चलते हुए भेजा है। आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए सुदामा के चरणों को द्वारिका में रखाना चाहता हूं, इसलिए मेरे रथ नहीं भेजा। इस प्रकार सुदामा को विदा किया। भक्तों, तराजू के एक पात्र में दुनिया की अमीरी को रखा जाए, तराजू के दूसरे पात्र में दुनिया की गरीबी को रखा जाए और तराजू को उठाया जाए, तो कभी भी यह दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। कहां दुनिया की अमीरी, द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, और कहां प्रबंधन में रहने वाला ये ब्राह्मण। लेकिन भगवान मित्रता निभाना जानते हैं, निभाई मित्रता। सुदामा पोरबंदर पहुंचे तो देखा कि ये तो पूरा स्थिति ही बदल चुका है। छोटी सी झोपड़ी जहां थी वहां बहुत बड़ा बिल्डिंग बन चुका था। सुदामा ने सोचा कि रीडेवलपमेंट वाले गरीबों की झोपड़ी बिना पूछे उड़ा देते हैं। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी वो भी ले लिए लोगों ने। तब तक तो तीसरी मंजिल से सुदामा की पत्नी सुशीला देवी की तरह, स्वर्ग की अप्सरा की तरह श्रृंगार करते अपने पति को बुला रही है। ये कौन देवी बुला रही है? मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला। बच्चों ने बुलाया, सुदामा समझ गए ये कृष्ण की कृपा हो गई है। लेकिन भक्तों, सुदामा की पत्नी, सुदामा के बच्चे उस महल में रहे, लेकिन सुदामा उस महल में नहीं रहे। उसी पोरबंदर के चौराहे पर छोटी सी कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर सुदामा वहीं रहते थे, पर भगवान का भजन करते थे। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। इस प्रकार से यथा उचित जहां तक मैंने पढ़ा था, स्मरण था, सुदामा के चरित्र को आपके बीच में रखा, अनेकों शिक्षा और उपदेश के साथ जीवन में कहीं ना कहीं इन शिक्षाओं को उतारना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। बस इस चरित्र के अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अनेकों मित्र बनाते हैं, फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं, लेकिन वास्तविक मित्र हमारे कृष्ण हैं। ये श्लोक मात्र बोलने के लिए ही नहीं है, तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, ये श्लोक जीवन में उतारने के लिए है। कृष्ण ही हमारे वास्तव में दुख में साथ देने वाले एकमात्र भगवान कृष्ण है। कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।